अस्सलाम वालेकुम हरिजन टीचर मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं सदर खान टीवी चैनल। जी हाँ, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेके आया हूँ। वो क्या है? वो हमारे हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम वीडियो में कैसे यूज कर सकते हैं, जो भी यानी कि हमारा कंटेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ आई एम स्पीकिंग, तो आई एम स्पीकिंग अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ नीचे, या फिर मैं लिख देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, तो वो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह उसको इफेक्टिव लगा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एनिमेशन एनिमेशन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि उस पे एनिमेशन लगा के हम उसको यानी कि खुद से मोशन भी दे सकते हैं, खुद से रोटेट भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ स्टाइल्स में हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे देखते हैं कि हम एलिमेंट्स को कैसे प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। सो लेट वी जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने ये आज का जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स है। जी, यहाँ पे ये आपके सामने एलिमेंट्स हैं, ये जो आपके सामने यानी कि हम स्क्रीन में ऐड करते हैं जो भी चीज़ यानी कि हम एलिमेंट्स में ऐड करना चाह रहे हैं वो इसका टॉपिक कहलाता है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं एलिमेंट्स। जी, ये वाली हमारी वीडियो है जो कि दोबारा आपको देखने में मिलेगी। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट ट्रैक पे छोड़ देता हूँ। तो इसमें भी यानी कि ये फाइल अंदर चली गई है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें आपको रफली सी ये देखने में मिलेगी, लेकिन जो आने वाला जो यानी कि जैसे ही मैं एडिट करूँगा इसको फाइनल यानी कि मिलेगी, तो फिर आपको थोड़ी सी डेकोरेशन में मिलेगी इंशाल्लाह। जी, तो यहाँ पे चलते हैं। अभी हम ये हमारा जो टॉपिक है एलिमेंट्स क्या है, तो हम एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। एलिमेंट किसे कहते हैं, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी यानी कि ऐसा कंटेंट जो यहाँ पे हम लिख के अपनी वीडियो के साथ अपनी वॉइस के साथ अगर हम अटैच करके करना चाह रहे हैं तो वो वाली चीज़ जो है वो दैट्स कॉल्ड एलिमेंट्स कहलाती है। ठीक है, तो अपने वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला नहीं समझ लेना कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं, है तो वही चीज़ सेम, लेकिन यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्ले करेंगे और प्ले करने के बाद यहाँ पे आप सुन सकते हैं। जी हाँ, जैसे ही उन्होंने 1 मिनट, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जी हाँ, आप देख रहे हैं सदर खान टीवी चैनल और आपको, यहाँ से थोड़ी सी मैं वॉइस बढ़ा लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है। जी, यहाँ पे दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरिजन टीचर मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं सदर खान टीवी जी चैनल। हाँ, यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है सदर खान टीवी चैनल। तो यहाँ पे ये शेयर्ड मीडिया है, ये मैंने इसमें रखा हुआ है। ये भी मैं इंशाल्लाह यानी कि शेयर्ड मीडिया के बारे में भी आपको बताऊंगा कि शेयर्ड मीडिया में यानी कि हम अपना कंटेंट जो है वो कैसे सेव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा यानी कि मेथड है। ये लास्ट वीडियो में यानी कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें आप यानी कि क्लियर सी चीज़ यानी कि आप कर सकते हैं कि इसमें इंपोर्ट है, सिंपली यानी कि हमने इंपोर्ट करना होता है। तो इंपोर्ट करने के बाद हम इसको फाइल को यानी कि सेव कर सकते हैं और हमें बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती शेयर्ड मीडिया में। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं शेयर्ड मीडिया में 3 चीज़ें हैं। ये जो है सदर खान टीवी, ये मैं कोरल ड्रा के लास्ट कंटेंट में यानी कि यूज़ करता हूँ एंड स्क्रीन पे। और एंड स्क्रीन पे कार्ड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये लास्ट मेरा टाइटल है यानी कि थैंक्स फॉर वाचिंग ये वाला। तो ये वाला जो है ये बोर्ड है, ये भी मैं आप देखते हैं कि ये साइड साइड पे मैंने लगाया होता है। ये भी ये इंशाल्लाह हम यानी कि यहाँ पे यूज़ करना सीखेंगे। इसमें जो रेलेवेंट डाटा है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि इसके रेलेवेंट डाटा जो भी यानी कि आप यूज़ करना चाहें वो आपके पास मौजूद होता कि आप प्रॉपर वे से प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ कर सकें और आपकी जो मिस हैप हो वो होने के चांसेस कम हो तो जाते हैं एडिटिंग एड ऑब्वियसली। तो लेकिन अगर आपके पास कंटेंट मुकम्मल होगा तो आपको यानी कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली ये आपको सब्सक्राइबर ऐड बढ़ाने का भी मैं एक तरफ से एक फार्मूला दे रहा हूँ, जिसमें आप याद करेंगे कि फार्मूला हम जो इस फार्मूला के ज़रिए यानी कि अपने सब्सक्राइबर जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे सदर खान टीवी, जी यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हैं आपके सामने ये वाला जो ट्रैक है ये मौजूद है। यहाँ पे अगर हम अपना कोई कंटेंट लेके आना चाहें तो हम लेके आ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यूज़ नहीं करना।
तो हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऐड करना है एक ट्रैक। यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हुए नीचे लेके आते हैं इसको। ये ऑलरेडी जैसे हमारे पास आ जाएगा, अभी आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे आया था ना जी, सदर खान टीवी चैनल और आप देख रहे हैं सदर खान जी। टीवी चैनल। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप इस पे सिंपली डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो है ये वाला जो इफेक्ट है, यानी कि ये चेंज हो चुका है, यानी कि सिलेक्ट हो चुका है। तो आप सिंपली इसको एक कॉर्नर से पकड़ें और इसको छोटा कर लें जितना आप चाह सकते हैं, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है जितना आप छोटा करना चाहते हैं उतना आप कर लें। और यहाँ पे ये मुझे काफ़ी है, यानी कि इस वाले से, यानी कि मैं इसको सिंपली, यानी कि यहाँ पे जैसे ही है अभी आप देख सकते हैं, ऐसे जो हमारा आइकन है, ये जो हमारा माउस का आइकन है, ये चेंज, आप चेंज होता हुआ देख सकते हैं। ये देखें आपके सामने है, ये डबल एरो बन गया है। और जब हम इसको सेंटर पे लेके आएंगे तो ये देखें, ये भी डबल है। इसमें हम ऐसे, यानी कि इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे करके हम चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी शक्ल जो है वो बिगड़ जाएगी। तो हमने जब भी, यानी कि कंटेंट को बड़ा या छोटा करना है, तो वो मेरे भाई आपने इस तरीके से नहीं करना, ऊपर से या नीचे से पकड़ नहीं करना, आपने सिंपली कॉर्नर से पकड़ना है और उसको उसी तरीके से करना है ताकि हमारा जो राइटिंग है, हमारा कंटेंट की जो शेव है वो ख़राब ना हो। तो उसको बचाना है आपने, वरना वो बड़ी ऑकवर्ड सी लगेगी। मोस्टली जो यूट्यूबर हैं उनकी वीडियोज़ में देखता हूँ, उसमें ऐसे करके किया होता है जी। ये कोई हाल है कंटेंट का, क्या रह गया ना उसमें ना आप में। तो इसलिए मेरे भाई इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने कंटेंट को हमेशा इज्जत देनी है। जब आप कंटेंट को इज्जत देंगे तो कंटेंट आपको ऑब्वियसली इज्जत देगा। तो यहाँ पे जब भी हम, यानी कि इसको करते हैं, रोटेट करना चाहें तो ये सिंपली रोटेट कर सकते हैं। इस पे मैं प्रॉपर, यानी कि क्लास लेना चाह रहा था, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं आपको, यानी कि ज़्यादा क्लासों में, या बेहतर तो यही है कि, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि चले, लेकिन कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप के साथ जो चीज़ रेलेवेंट में आती है उसको हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये आपके सामने ये वाली जो चीज़ है, थ्री यहाँ पे डार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अगर कॉर्नर वाले पे किसी पे भी हो, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, तो आप कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे करेंगे तो आपके कंटेंट की जो शेव है वो ख़राब हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिहाजा कंट्रोल जेड से इसको वापस लेके जाते हैं और दोबारा क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऊपर जो हमारे डाटा है इसको, यानी कि यहाँ पे कर्सर को ला के हम इसको रोटेट करते हैं और अपने कंटेंट को जो है वो सीधा कर लेते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सामने हमारा कंटेंट सीधा हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, ये जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो माउस है उसकी शक्ल आपको चेंज नज़र आएगी। ये फोर है, यानी कि फोर एरोज़ आपको शो होंगे। तो आप इसको जहाँ भी रोटेट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो है, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इसको सदर खान टीवी को, और मैं ओके कर देता हूँ जी। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं चैनल आपके सामने जी। ये हाँ, आज मौजूद मैं है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेके जी, आया अभी हूँ। ये वो ख़त्म हो क्या चुका है। है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें, यानी कि ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों की, वो मैं लेके आता हूँ जी। ये मैं मुकम्मल कोर्स आपके लिए कर रहा हूँ तैयार, और आपके लिए ये सब कुछ है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, आप भाइयों के लिए ही करता हूँ। तो मेहरबानी किया करें आप जो है थोड़ा सा, यानी कि इस पे तकलीफ़ किया करें, एक तो वॉच ऑनलाइन किया करें, और दूसरा जो है आप शेयर किया करें, ताकि मोस्टली मैक्सिमम जितने, यानी कि स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठाएं। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना कंटेंट लेके आते हैं, और जब भी आप, यानी कि ड्रैग करते हुए लेके आएंगे तो आपने साइड पे क्लिक कर लेना है। साइड पे क्लिक करने का मकसद ये है कि आप दो या तीन एलिमेंट्स लेके आते हैं तो आपके वो तीनों ही सिलेक्ट होंगे। तो उससे ये होगा कि आप जैसे ट्रैक पे आएंगे तो आपके तीनों कंटेंट जो है वो ट्रैक पे आ जाएंगे। तो आपने उस चीज़ से बचने के लिए आपने साइड पे क्लिक कर लेना है, ताकि आपका जो माउस है, जो आपका कर्सर है, वो फ्री हो जाए और आपको प्रॉपर वे से, यानी कि जो काम आप करना चाहें वो कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली जैसे ही सदर खान टीवी आ गया, उसके बाद यहाँ पे हम इसको ड्रैग करते हुए उसको लेके आते हैं जी। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं आपके सामने ये वाली जो चीज़ है ये आ गई है। तो ये जो है हमारी, यानी कि इसमें, यानी कि सिंपली इस पे डबल क्लिक करेंगे वही सेम लाइक दिस, तो हम इसको यहाँ पे ला के
ये सिंपली इसको साइड पे कर देंगे। याद रखिए ये वाला जो है ये मैंने खुद तैयार नहीं किया हुआ, आपने ऐसा नहीं होना परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं क्या चीज़ यानी कि सर बोर्ड निकाल के लिए आए हैं, कितनी मुश्किल से तैयार किया होगा और ये पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं। ये सिंपली आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आप वहाँ पे लिखेंगे वाइट बोर्ड इन PNG, वाइट बोर्ड आप इन PNG लिखेंगे तो आपके सामने ये वाली इस तरह की बहुत सारी शेयर्स आ जाएंगी। जो आपको अच्छी लगे आप वो वाली डाउनलोड वहाँ पे करके PNG में, क्योंकि इसका बैकग्राउंड नहीं होता और अगर बैकग्राउंड हो भी तो सिंपल में आप वो कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे यानी कि PNG यूज़ किया हुआ है। यहाँ तक जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि मैं जो चीज़ जहाँ पर तैयार कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ और जो चीज़ नहीं तैयार कर रहा वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सब्सक्राइब का जो है वो मैंने कोरल ड्रा में तैयार की है, वो आप टाइटल में तैयार कर सकते हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं आपके सामने हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे बेहतर यही है कि आप कंटेंट जो भी है वो खुद से तैयार करें, आपका जितना भी डाटा हो वो खुद से तैयार करें। मैं जितना भी डाटा तैयार करता हूँ अपने कंटेंट में यूज़ करता हूँ, मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं खुद से तैयार करूँ। उसके अलावा ये लिखा हुआ है मेरी प्रोफाइल है सदर खान TV है, ये मैंने कोरल में तैयार की है। और कोरल का जो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो कोरल का जो है वो मैंने यानी कि वो भी किया हुआ है इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो कोरल ड्रा में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और वहाँ पे भी यानी कि मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। और इंशाल्लाह जो है वो कोर्स अभी उसकी कम क्लासेस हुई हैं लेकिन वो इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद फौरी मैंने स्टार्ट कर देना है और एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको भी मैंने क्लियर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ये कंटेंट आ चुका है, अभी सिंपली हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ये देखें वो हमारे जी एलिमेंट्स, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो बोर्ड है ये वाइट बोर्ड ये प्रॉपर जहाँ तक हमारी वीडियो जाए वहाँ तक इसे जाना चाहिए। तो हम वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे सिंपली ये वाला जो आपके सामने ये वाली चीज़ आ रही है इस पर आप सिंपली यानी कि ड्रैग करते हुए नीचे लेके जाएंगे तो आप अपनी वीडियो को देखेंगे कि आपकी वीडियो कहाँ तक जा रही है, और कोशिश करें कि आपकी वीडियो और ये वाली जो चीज़ है वो सामने नज़र आए। तो यहाँ पर आप सिंपली इस पर क्लिक करें, यह आपके सामने डबल एरो शो हो रहा है। तो एंड टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ड्यूरेशन है हमारा जो इस वीडियो का यानी कि यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है वाइट बोर्ड ये आपके सामने यानी कि 5 मिनट पे है और जो हमारी टोटल वीडियो है वो 17 मिनट की है। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्लियर सी चीज़ है जी। यहाँ पे यहाँ तक हमारी अगर वीडियो आ रही है तो हमें यहाँ पे लेके आना चाहिए, और अगर हम वीडियो को चेक करना चाहते हैं तो ये देखें ये आपके सामने ये टॉपिक है, इसको भी हम क्लियरली इस पर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे आने वाले यानी कि टॉपिक्स हैं उसमें क्लियर ट्रैक पे और इसी पे यानी कि हमारी डिस्कस होगी कि हम इसको जूम इन या जूम आउट कैसे कर सकते हैं ट्रैक को। तो यहाँ पे अभी हम क्या किया जी, यहाँ पे हम इसको वापस लेके आते हैं, ये वाला ट्रैक हमारा खाली है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने जो है वो अपना सदर खान TV यूज़ किया हुआ है, ये देखें आपके सामने है। तो यहाँ पे उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि ये सदर खान जो TV है ये भी इसके साथ ही रहे, लेकिन ये आए इसके बाद, जैसे ये आए इसके बाद आए, तो लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जाए इसके तकरीबन साथ ही ये वाइट बोर्ड के। तो अभी आपके लिए इजी है, जैसे यानी कि वाइट बोर्ड ये दिया हुआ है तो आप इसको यानी कि क्लियरली यहाँ तक लेके आ सकते हैं जहाँ तक हमारी वीडियो है। तो यहाँ पे ये वाइट बोर्ड के बराबर एज इट मैंने ला के छोड़ दी है। तो अभी हम चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है इसमें जी। यहाँ पर हम वीडियो प्ले करते हैं, ये देखें सदर खान और आप देख रहे हैं सदर खान TV चैनल जी। हाँ सॉरी जी, ये देखें आपके सामने ये सदर खान TV चैनल आ रहा है, तो इसमें ये बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं। वो क्या है, वो हमारे है एलिमेंट्स जी। यहाँ पे ये जो सदर खान TV है ये आपके सामने है, ये मैं चाहता हूँ कि ये वाइट बोर्ड पे आए, तो ओबियसली हम जिस तरह जो चाहें जैसे चाहें हम वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हम सिंपली इसको ड्रैग करते हुए लास्ट टाइम की तरफ हम ऐसे यानी कि एरो, ये जो 5 एरो यानी कि आपके कीबोर्ड पे मौजूद हैं उनकी मदद से आप इनको लाइट राइट लेफ्ट अप डाउन सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपली इस पर क्लिक कर दिया
और ये देखिए आपके सामने ये वाली जो जगह है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये हमारे सब्सक्राइबर आएँ तो इसे थोड़ा सा लेंथ कर लें। यहाँ पे हमने सब्सक्राइब बटन को लेके आना है, और वो सब्सक्राइब बटन कैसे आएगा वो भी सेम लाइक दिस इसी तरह ही आएगा। हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब बटन को लेके आते हैं यहाँ पे जी। जहाँ पे जैसे ये सब्सक्राइब बटन आएगा तो आपके सामने ये देखें, आपके सामने ये वाली जो चीज़ है ये आ रहा है सब्सक्राइब बटन। तो इसको हम क्या करते हैं, वही सिंपली यानी कि उसको छोटा करेंगे, और छोटा करने के बाद हम इसको वापस इधर सब्सक्राइब यानी कि यहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो अभी ये देखें आपके सामने, यहाँ से ओके कर देंगे, जो भी यानी कि ये देखें कंटेंट होता है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो जी, यहाँ पे अगर मैं तो ये सब्सक्राइब हम जितनी मरतबा यानी कि अपनी वीडियो में लेके आना चाहें वो लेके आ सकते हैं। बार बार हमें यानी कि करना पड़े तो बार बार यानी कि हम इसको यानी कि रिपीट करेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं यानी कि नेक्स्ट टू ऐड। अभी सिंपली जो है यानी कि जहाँ पे मैं आपको क्लियर सी चीज़ ये देता हूँ, अगर आप प्रॉपरली यानी कि ये लगाना चाहते हैं वो सिंपली यानी कि जैसे ये सदर खान टीवी है या बोर्ड है तो उसके साथ ही आप सब्सक्राइब का बटन लगाना चाहें तो आप प्रॉपरली यानी कि लगा सकते हैं। लेकिन वो प्रॉपर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ये वन बाय वन यानी कि जैसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ से यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है सफ़र है जी, कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो भी यानी कि हमारा कंटेंट होता है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे अगर जी यहाँ पे जैसे ये अभी तक यहाँ तक यूज़ हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट आगे चला गया है, तो इस चीज़ से यानी कि हमें जो है ना वो क्लियर कर लेना चाहिए। वक्फे वक्फे से अगर यूज़ करेंगे तो जो हमारा व्यूअर होगा उस पर भी यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, और उसको वो यानी कि जब एक चीज़ प्रॉपर नज़र आ रही होती है तो व्यूअर जो होता है उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, लेकिन जब एक चीज़ रोटेट करते हुए ये मुख्तलिफ मोशन के साथ है, वो या फिर मुख्तलिफ गैप्स के साथ यानी कि वो वापस आती है तो उस पर जो हमारे व्यूअर्स की होती है वो थोड़ी सी यानी कि तवज्जो पड़ती है, और वो कोशिश करता है कि वो हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर दे। हमारी ख्वाहिश यही होती है कि चैनल सब्सक्राइब करवा लें, और उसकी मेहरबानी होगी कि यार वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बस हमारी कोशिश यही होती है। तो वो उस पर यानी कि तरस आ जाता है जब ये बार बार हम सब्सक्राइब का बटन शो करते हैं तो वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। और ऐसे भी व्यूअर बुरे नहीं होते हैं कि वो सब्सक्राइब ना करें, जब आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं और उनको अच्छा कंटेंट दे रहे होते हैं तो फिर वो सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर आप कंटेंट ही अच्छा नहीं देते और उनका टाइम वेस्ट करते हैं तो फिर उनको गुस्सा भी आता है और साथ डिसलाइक भी करके जाते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखें आपके सामने ये वाला कंटेंट है, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं आई एम स्पीकिंग या कुछ भी लिख के आप करना चाहते हैं तो टाइटल का सहारा ले लें, अगर आपको कोरल आता है तो कोरल कर लें, वरना जो है ना वो टाइटल का आप सहारा यहाँ पे ये वाला ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी ले सकते हैं। और उसके अलावा ये वाले जो आपके सामने ये वाले कस्टम्स हैं, ये ओपनर्स हैं, टाइटल्स हैं, ये सारे तमाम ये तमाम आपके टाइटल्स में ही शामिल हैं, तो आप इन चीज़ों की मदद से ये आप सहारा लेके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स जो है यहाँ पे ख़ुद से भी इसने दिए हुए हैं, ये देखें, अगर इनमें से यानी कि कुछ चीज़ें आप ऐड करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक करना चाहें तो लाइक को भी आप सिंपली यानी कि यहाँ पर क्लिक करेंगे, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं, कुछ नहीं होता। नेक्स्ट ये सब्सक्राइबर का बटन है तो इसके बाद हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे सिंपली इसको क्या करना है, यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद यहाँ पे आप इसको ला के यहाँ पे छोड़ दें। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही आप यानी कि ये लेके आएंगे तो आपके सामने ये लाइक हो जाएगा। आई एम स्पीकिंग, तो आई एम स्पीकिंग यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ नीचे, या फिर मैं ये वाली चीज़ें यानी कि आप जो भी यूज़ करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। अगर ये वाला यानी कि यूज़ करना चाहें, ये मोस्टली यानी कि मैं जब भी कभी मैं बैठा हूँ तो व्यूवर को छेड़ने के लिए यानी कि उससे ये होता है कि थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा होता है, व्यूवर खुश हो जाता है, तो ये भी मैं यूज़ कर देता होता हूँ। तो वो यानी कि कुछ इस तरह की बात आती है जिससे मैं थोड़ा सा यानी कि वो ये नहीं है, आप मेरे भाई हैं, स्टूडेंट्स हैं, नो डाउट यानी कि कभी बार ऐसे बंदा यानी कि मूड में बैठा होता है तो ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेता है, उससे ये होता है कि थोड़ा सा यानी कि व्यूअर का मूड अच्छा करने के लिए और उसकी तवज्जो यानी कि जब वो कंटेंट पे दे रहा होता है तो वो कभी कभार यानी कि एक चीज़ को प्रॉपर वो देख रहा होता है तो उसका जो माइंड होता है वो थोड़ा सा यानी कि ऐसे स्लीपिंग मूड में चला जाता है, तो ऐसी चीज़ें जब थोड़ी सी हों तो वो बंदा यानी कि फ्रेश हो जाता है और वो कंटेंट की तरफ प्रॉपर ध्यान देता है और जो मकसद होता है वो हमारा पूरा हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, वरना ये नहीं कि मैं आपको यानी कि टीज़ करता हूँ या ऐसे कोई चीज़ है। तो यहाँ पे ये देखें आपके सामने, तो वो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह उसको इफेक्टिव लगा सकते हैं,
तो ये वाली जो चीज़ें हैं आप व्यूवर्स पे यूज़ कर सकते हैं, और यानी कि कुछ मुख्तलिफ यानी कि तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ये शेयर है, ये वाली चीज़ है, ये वाली, ये आपके सामने ये जितने भी कंटेंट है, ये आपके एलिमेंट्स आपको अभी मैं बता दिए है कि ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपली आपने ऐसे ही यानी कि यहाँ पर ला के छोड़ देना है, डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद आप इसको यानी कि एक कॉर्नर से पकड़ के आप उसको छोटा या बड़ा यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन आपकी जो वीडियो है फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि मैं यहाँ पे ये ऑनलाइन हूँ, लाइव में हूँ, तो लाइव में ओबियसली यानी कि मैं चाहता हूँ अगर मैं लाइव में आया हूँ, मैंने मेहनत की है, मैंने अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव किया है, या मैंने इतनी जलालत बर्दाश्त की है, मैं देखे ना आया हुआ हूँ, नहा के मैंने पैंट कोट पहना हुआ है, और इतनी मेहनत की है, मैंने शेव वगैरह की है, तो ओबियसली मुझे टाइम लगा है। अगर मैं यानी कि सोया हुआ होता जैसे मैं अभी बैठा हूँ आपके सामने, आपको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता। लेकिन ये है कि जो अपना मैं मेरी वॉइस आ रही है आपको, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस में बैठा हूँ, किस हालत में बैठा हूँ, ठीक है, मैं नहाया हुआ हूँ 10 दिनों से नहाया हुआ हूँ या नहीं नहाया हुआ, तो या फिर मैंने यानी कि अपना जो है कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं आपके सामने लाइव आता हूँ तो ओबियसली जब आप मुझे देखते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है, आपको भी पड़ता है और मुझे भी पड़ता है। तो ये मेहनत मैं इसलिए करता हूँ आपके सामने, ज़ाहरी बात है हर बंदे की एक उम्मीद होती है, और उसी वजह से ही मैं मेहनत करता हूँ कि चलो यार कुछ ना कुछ हमारे व्यूअर पे जो है वो यानी कि पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़े और वो मेहरबानी करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। तो ये वाली जो चीज़ है अभी ये आप यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट्स, ये आपके सामने ये वाली भी चीज़ें हैं, ये इमोजीज भी हैं, ये वाली अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये AR हैं, ये 8 है, ये भी आप यूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एरोप्लेन भी है, बाबा एरोप्लेन, ये देखें उड़ गया जहाज उड़ गया। तो जब आपने यानी कि अब्रॉड कंट्री जाना हो तो भी आप जा सकते हैं, और अब्रॉड कंट्री से अगर आप वापस पाकिस्तान आना चाहें तो आपके लिए एक और जहाज भी है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही हमारे पास एरोप्लेन है। ये देखें तो हमारे पास और भी एरोप्लेन है, ये हम कर सकते हैं। और अगर आप इसकी यानी कि मोशन चेंज करना चाहें, आप चाहें कि यानी कि इसको जो है ना वो किसी और यानी कि मूड में हो, तो ये आपके सामने ये वाले भी हैं। और अगर रात का टाइम है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि रात के टाइम आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डे टाइम में आपको मसला बन रहा है, हम उसको क्लियर कर सकते हैं, तो चलते हैं हम अपनी, वो देखें उड़ गया, देखिए हमारे अंदर से जहाज निकल गया। तो ये देखें ये रात के टाइम पे ये चीज़ यूज़ हो रही है, ये चीज़ ये है कि हम एलिमेंट्स को कैसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप